हाय गाइस, मेरा नाम है तेज। दोस्तों, अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आईफोन से पीसी में और पीसी से आईफोन में फोटोज और डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आईट्यून सॉफ्टवेयर का यूज करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, वो वीडियो इंग्लिश में है और आज की वीडियो में आपको कई सारी टिप्स और ट्रिक्स ऐड करने जा रहा हूँ जो उस वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको फास्टेस्ट तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आप अपने आईफोन से पीसी में फाइल्स को फास्टेस्ट तरीके से आईट्यून की सहायता से ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, आईफोन से आईट्यून फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो नेटिव आपकी फोटोज ऐप होती है उससे आप आईट्यून से फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी फेवरेट ऐप है वो डॉक्यूमेंट ऐप है। वो काफी यूजफुल ऐप है, इसमें काफी सारे फीचर्स भी हैं जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट ऐप को आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ऐप स्टोर में आप सर्च करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट ऐप ये वाली शो हो जाएगी। ये इसका डेवलपर्स हैं, रेडल टेक्नोलॉजीज, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों, डॉक्यूमेंट ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, वहाँ से डॉक्यूमेंट आपको सर्च करना है। उसके बाद में आपको ये वाली सेटिंग्स शो हो जाएंगी। इसमें आपको सभी परमिशन को अलाउ कर दीजिए। जैसे फोटोज़ की परमिशन है तो यहाँ पे ऑल फोटोज को टिक कर दीजिए। इसके अलावा लोकल नेटवर्क, कैमरा, ब्लूटूथ, इसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो ये मैंने टिक कर दिया है। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट ऐप है उसका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ देख सकते हैं कई सारे फोल्डर आपको शो हो रहे हैं। फोटो एल्बम है, आईट्यून्स फाइल्स है, फाइल्स हैं। तो ये आपका फोटो एल्बम है तो आपका इंटरनल स्टोरेज है। जो फोटो ऐप है उसके अंदर जो भी फोटोज वीडियोज वो शो हो जाएंगे। और जो आईट्यून्स फाइल्स फोल्डर है, यहाँ पे आपको एक्चुअली में जो भी फाइल्स मूव करेंगे या फिर आप कॉपी करेंगे, वही आप आईट्यून्स जो एप्लीकेशन है उसके द्वारा ट्रांसफर कर पाएंगे अपने पीसी में। एक आपका ये फाइल्स फोल्डर है, तो इसमें आपका जो इंटरनल मेमोरी है उसके अंदर जो फाइल्स हैं आपके आईफोन के, वो सब शो हो जाएंगी। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ से प्लस करेंगे तो यहाँ पे एक आप फोटो नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर ऐसे। इसका नाम आप कुछ दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम दे देता हूँ फोटोज, डन। तो ये आपका एक फोटोज फोल्डर बन गया है। और जैसे वीडियोज फोल्डर बना रखा है कि मैंने, ऐसे आप फोल्डर्स बना। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आईट्यून फाइल्स के अंदर मैं आपको कॉपी करने का, जैसे आईट्यून फाइल्स फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से प्लस करता हूँ तो आप इंपोर्ट फ्रॉम फोटोज़ ये कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसे से कुछ सेलेक्ट करेंगे, फोटोज़ या वीडियोज़ हैं, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे तो आपका इस फोल्डर में वो चला जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है, तो मैं इसका एक फास्टेस्ट मेथड आपको बताता हूँ। जैसे आईट्यून्स फाइल्स में आपको कैसे, आपको जो फोटोज़ हैं वीडियोज़ हैं उनको कॉपी करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको फोटोज़ अपने ऐप में जाना है आईफोन की। उसके बाद जो भी फोटोज़ आपको इसमें आईट्यून फोल्डर में कॉपी करना है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, ये मैंने कुछ वीडियो सेलेक्ट कर लिए हैं जो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो ऐप है उसमें मुझे कॉपी करना है। इसमें शेयर का बटन आपको नीचे शो हो रहा है, इस पर टैप करिए। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसमें नीचे, सेव टू फाइल्स, ये आपको यहाँ से चूज करना है, यहाँ पे टैप करिए। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐप आपको शो हो जाएगी। तो इसके अंदर में जो फोल्डर्स हमने बनाए थे, जैसे वीडियोस फोल्डर एक बनाया है, इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे सेव कर देता हूँ। तो ये आपका एक ही टैप में ये ऐसे सेव हो जाता है। अगर हम डॉक्यूमेंट ऐप के थ्रू इंपोर्ट करते हैं तो टाइम लगता है। अब इसके बाद में आपको इस फोल्डर में जाना है, वीडियोज़ फोल्डर में गए, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सारी फाइलों को। जैसे यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, इनको मूव कर देते हैं, मूव टू आईट्यून्स फाइल्स फोल्डर, इनको मूव कर देते हैं। अभी आपका आईट्यून्स फोल्डर्स में चली गई सारी जो वीडियोज़ हैं, और वहाँ से हम इसको कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको लैपटॉप और पीसी के बारे में बताता हूँ, आपको आईट्यून्स जो एप्लीकेशन है उसको कैसे सेटअप करना है। उसके बाद में अपनी डाटा केबल से कनेक्ट करके आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल्स को। दोस्तों, अपने विंडोज़ पीसी में आपको जो ऐप स्टोर है उसको ओपन करना है। जैसे विंडोज़ का ऐप स्टोर ही ओपन कर लिया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। यहाँ पर आपको सर्च करना है आईट्यून्स। इसके बाद ये वाली आपको आईट्यून्स यहाँ पर एप्लीकेशन शो हो जाए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने विंडोज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप में। ये दोस्तों, अब आपका आईट्यून इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। एग्री कर दीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस, वेलकम, एग्री कर दीजिए। तो आपका आईट्यून का ये आपका सेटअप इस तरीके से दिखता है, ये आपका ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, अपना जो आईफोन है उसको जो यूएसबी टू लाइटनिंग केबल है उससे आपको कनेक्ट करना है। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों, जब आप कनेक्ट करते हैं केबल से तो ये वाला एक नोटिफिकेशन आपके आईफोन में आता है, अलाउ दिस डिवाइस टू एक्सेस फोटोज एंड वीडियोज, तो इसको अलाउ कर दीजिए यहाँ से।
उसके बाद में एक और एक नोटिफिकेशन आता है आपके जो आईफोन पे, ट्रस्ट दिस पीसी या कंप्यूटर, इसको ट्रस्ट कर दीजिए यहाँ से। इसके बाद आपसे इसका लॉक कोड ही मांगा जा सकता है आईफोन का, तो आईफोन का आपको पास कोड है उसका एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है पीसी में, डू यू वांट टू अलाउ दिस कंप्यूटर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन आईफोन, तो ये आपको कंटिन्यू कर दीजिए यहाँ से। दोस्तों अब आपका ये आईफोन इससे कनेक्टेड हो गया है आपका iTunes सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके पीसी से। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन यहाँ पे शो होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत छोटा सा आइकन है, सो आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करता हूँ मैं ये फ़ोन का आइकन, तो ये वाला इंटरफेस खुल जाता है। तो लेफ्ट साइड में आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे, म्यूजिक, मूवीज़, टीवी शो, फोटोज़। यहाँ पे एक आपको शो होगा फाइल शेयरिंग, तो इसको आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो इसके बाद जो भी एप्लीकेशन हैं जो आपको अलाउ करती हैं iTunes के थ्रू फाइल शेयरिंग अपने आईफोन से और पीसी में, वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे मैं डॉक्यूमेंट ऐप है इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो जो मैंने iTunes फोल्डर्स में जो फोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ सेव की थी वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी। आप देख सकते हैं सारी फोटोज़ वीडियो यहाँ शो हो रही हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से सेलेक्ट करके इनको, जैसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितनी भी आपको कॉपी करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो इसको आप सेव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फोल्डर आप सेलेक्ट करेंगे इसमें पीसी में, वहाँ जाके ये सारी फाइल्स आपकी सेव हो जाएंगी। तो मैं ऐसे जैसे सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद ये सारी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएंगी। आप देखिए एक कॉपी होना चालू हो गई फाइल्स आपकी, ये सारी फाइल्स आपके अब डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में कॉपी हो जाएंगी। दोस्तों हमने डॉक्यूमेंट जो फोल्डर वो सेलेक्ट किया था पीसी का, तो वहाँ पे देख सकते हैं वीडियोज यहाँ पे कॉपी हो गई कुछ जो मैंने सेलेक्ट की थी। तो इस तरीके से आप iTunes की सहायता से अपने आईफोन से फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। अब मैं उसका उल्टा भी बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कुछ फोटोज आपको इससे पीसी से अपने आईफोन में कॉपी करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे नीचे आपका एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड फाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ऐड फाइल, और जो लोकेशन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो फाइल्स आपको उसमें आईफोन में कॉपी करनी है पीसी से। जैसे ये वाली फाइल मुझे कहाँ कर कॉपी करनी है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसी फोल्डर में iTunes फोल्डर्स में ये आपके कॉपी हो जाएगी पीसी से। ये देखिए कॉपी हो गई। आप चाहें तो फोल्डर्स और फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं iTunes में, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। दोस्तों जैसे एक फोल्डर मुझे इसमें अगर मूव करना है iTunes फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स के, तो जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, यहाँ से फोल्डर को पूरा उठा के यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, तो ये यहाँ जाके फोल्डर ये कॉपी हो जाएगा। देख सकते हैं ये फोल्डर आ गया नीचे। तो ये आपका हो गया पीसी से आईफोन में कैसे ट्रांसफ़र करना है। अब आप डॉक्यूमेंट ऐप में जाएंगे, तो मैं अपने आईफोन के डॉक्यूमेंट ऐप में जाता हूँ, तो iTunes फोल्डर को यहाँ ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ देख सकते हैं वो फोल्डर मैंने कॉपी किया था वो यहाँ शो हो रहा है, यहाँ पर आ चुका है फोल्डर। और ऐसे ही आपकी जो फाइल मैंने कॉपी की थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है, वो भी आ चुकी है। दोस्तों अगर आप फोटोज़ को जो आपने पीसी से इसमें कॉपी किए है उसमें फोटोज़ ऐप में आपको ट्रांसफ़र करनी है अपने आईफोन के, एक जैसे फाइल मैंने सेलेक्ट किए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको नीचे में थ्री डॉट्स है मोर, यहाँ पे टैप करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको शेयर का, सो शेयर पे मैं टैप करता हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे सेव टू फाइल्स है और सेव टू वीडियो, यानी वीडियो आप करेंगे तो ये आपका जो इंटरनल आपकी ऐप है आईफोन की वहाँ कॉपी हो जाएगी, और सेव टू फाइल करेंगे तो आपका जो आईफोन की जो फाइल मैनेजर वहाँ आपके सेव हो जाएगी इंटरनल स्टोरेज है। तो सेव टू फाइल जैसे मैं करता हूँ तो ये इसमें लोकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी कहाँ आपको सेव करना है। जैसे ऑन माई आईफोन आप कोई भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ भी सेव कर सकते हैं। अगर फोटोज़ में आपको सेव करेंगे तो ये फोटोज़ में हो सकती है, जैसे तो शेयर करेंगे आपको सेलेक्ट करना है सेव टू वीडियो, तो ये सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपके फोटोज़ ऐप में ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये आपके दोस्तों फोटोज़ ऐप है उसमें ये वीडियो चली गई, ये देख सकते हैं 0-2 सेकंड वाली ये वीडियो ये डबल हो गई, यानी कि वही यहाँ पे मैंने अभी शेयर करके कॉपी की थी तो वही आ गई। इस तरीके से आप अपने पीसी से आईफोन में और आईफोन से पीसी में फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फोटोज़ को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि आप आईफोन से पीसी में और पीसी से आईफोन में फाइल्स को, फोटोज़ को, वीडियोस को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कई सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मैंने बताई, जैसे फोल्डर्स का ड्रैग एंड ड्रॉप करना वो भी आपको मैंने बताया, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा वाला ऑप्शन। इसके अलावा दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिना iTunes के कैसे अपनी फाइल्स को आईफोन से पीसी और पीसी से आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना आप मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट और वीडियोस मिलते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।